हेलो दोस्तों, मेरा नाम है हरमनदीप सिंह और आपने देखना शुरू कर दिया है इजी इलेक्ट्रॉनिक फॉर यू। तो आज मैं आपको पढ़ाऊंगा ट्रैवलिंग वेव ट्यूब क्या होती है, इसका वर्किंग प्रिंसिपल बताऊंगा, टाइप्स बताऊंगा और एप्लीकेशन बताऊंगा और हिंदी में बताऊंगा बड़े आराम से एनिमेशन के साथ। तो चलने से पहले, शुरू करने से पहले कोट हो जाए, सही समय और शिक्षा का सही उपयोग ही व्यक्ति को सफल बनाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन। ट्रैवलिंग वेव ट्यूब इज ए स्पेशलाइज्ड वैक्यूम ट्यूब। एक वैक्यूम ट्यूब होती है दैट यूज्ड इन इलेक्ट्रॉनिक टू एम्पलीफाई रेडियो फ्रिक्वेंसी सिग्नल इन माइक्रोवेव रेंज। मतलब ट्रैवलिंग वेव ट्यूब एक वैक्यूम ट्यूब होती है जो हम रेडियो फ्रिक्वेंसी RF सिग्नल को एम्पलीफाई करने के लिए माइक्रोवेव रेंज में यूज करते हैं। ठीक है, देखिए एक्चुअल में दिखने ऐसी होती है ट्रैवलिंग वेव ट्यूब। मैं आपको सबसे पहले यही दिखा देता हूँ कि होती कैसी है, ठीक है, और हमने जाना कहाँ तक है। देखिए ये RF इनपुट हम देंगे जिसका लो स्ट्रेंथ होगी और हमने ऐसी ट्रैवलिंग वेव ट्यूब में से इसे निकालना है कि ये एम्पलीफाई हो जाए इस तरह से। ठीक है, एम्पलीफाई हो जाए, एम्पलीफाइड आउटपुट आए हमें। ठीक है, ट्रैवलिंग वेव ट्यूब में हेलेक्स ट्यूब लगती है, तो वही आज हमने डिस्कस करनी है। चलो वर्किंग देखते हैं। देखिए यहाँ तक तो मैंने आपको पहले भी पढ़ाया है कि क्या है, हीटर लगा होता है जो हीटअप करता है। हीटअप होने से इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस हो गए तो ये इलेक्ट्रॉन बीम जनरेट हो गई। जो एनोड होती है वो उसे कंट्रोल करती है एक ही लाइन में, मतलब जो इधर उधर भटक रहे होंगे इलेक्ट्रॉन उसे एक ही दिशा में कंट्रोल करती है एनोड। देखिए ये पार्ट तो हमने पिछली वीडियो में भी समझ लिया होगा, क्लिस्टॉन एम्पलीफायर में भी समझ लिया होगा। मैं आई कार्ड में इसका लिंक दे दूंगा और डिस्क्रिप्शन में भी आप जाके देख सकते हैं वो वीडियो। तो चलिए, हीटर ने हीट कर दिया, इलेक्ट्रॉन बीम जनरेट हो गई, एनोड ने इसे कंट्रोल कर लिया एक ही दिशा में। ठीक है, उसके बाद ये फोकसिंग प्लेट आती है, क्या करती है, उसे और फोकस करती है ताकि वो एक ही स्ट्रेट लाइन में फ्लो करे जो इलेक्ट्रॉन बीम है। उसके बाद देखिए इसकी वर्किंग मेन। देखिए ये हेलेक्स जो ये कॉयल लगी हुई है ना, इसे हम हेलेक्स कॉयल बोलते हैं और ये स्लो वेव स्ट्रक्चर है, मतलब वेव को कहीं ना कहीं स्लो करती है। अटेन्यूएटर भी लगा होता है और इसमें मेन चीज मैग्नेट की है, मैग्नेट की और हेलेक्स कॉयल की है। देखिए यहाँ से इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, ठीक है, और हमने यहाँ से RF इनपुट दे दी। ये देखो RF इनपुट दे दी तो यहाँ आ गई। देखिए RF इनपुट में क्या होगा, ये देखिए पॉजिटिव साइकिल होगा और नेगेटिव साइकिल होगा। देखिए जब पॉजिटिव साइकिल होगा तो यहाँ पे एक्सेलरेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट लगेगा, मतलब ये पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव नेगेटिव, ये नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स आएंगे तो पॉजिटिव और नेगेटिव अट्रैक्ट करेंगे। अट्रैक्ट करने से बहुत शार्प ही एक्सेलरेट हो जाएगा, मतलब इसकी स्पीड बढ़ जाएगी। ठीक है, तो आगे देखिए जब आ गया नेगेटिव हाफ साइकिल, तो नेगेटिव हाफ साइकिल में रेजिस्टिव वेलोसिटी, मतलब यहाँ पे नेगेटिव 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 आ गया तो यहाँ पे पॉजिटिव पॉजिटिव आ गया, तो नहीं सॉरी यहाँ पे नेगेटिव ही रहेगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स हैं, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज हैं, तो नेगेटिव नेगेटिव ये करेंगे रिपेल। रिपेल करने से यहाँ पे रेजिस्टिव वेलोसिटी हो जाएगी, मतलब इसकी वेलोसिटी कम हो जाएगी। तो देखा हमने कि पॉजिटिव हाफ साइकिल में तो ये बढ़ जाता है, इसमें स्पीड बढ़ जाती है, और नेगेटिव हाफ साइकिल में ये कम हो जाती है। ये मैग्नेट है, यहाँ से नॉर्थ और साउथ लगे हैं जो यहाँ पे मतलब मैग्नेटिक लाइंस ऐसे ऐसे फ्लो करती है नॉर्थ टू साउथ, हमें आपको पता ही होगा। तो ये भी इसको फोकस करने में बहुत हद तक काम करती है। ठीक है, देखिए जब पॉजिटिव हुआ तो आगे चले गए इलेक्ट्रॉन, नेगेटिव हुआ तो रुक गए, मतलब ऐसे ऐसे करके इसके ये बंच बनते हैं, तो बंच बनने लग जाते हैं इलेक्ट्रॉन्स के। देखिए हमने बंच ही तो बनाने थे, क्योंकि पिछली वीडियो में भी आपको बताया कि बंच इंपॉर्टेंट है, बंच की वजह से तो एम्पलीफाई होता है और एम्पलीफाई तो हमने करवाना है। तो ये बंच बन गए और ये बंच यहाँ से RF आउटपुट से निकल जाएंगे और जो इसने इलेक्ट्रॉन जनरेट किए थे वो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कलेक्ट हो गए। मैंने आपको ये भी बताया था कि यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन, उसमें इंफॉर्मेशन नहीं होती,
ठीक है, इसमें और इसमें इन्फॉर्मेशन नहीं होती तो हम इसे बाहर निकाल देते हैं। जो हमने ये इनपुट दी थी इन्फॉर्मेशन, वो हमने आउटपुट ले ली, बंच बन गए। और जो ना नेगेटिव हाफ साइकिल की वजह से रिपेल हुआ, स्पीड कम हुई, तो ये इसको बंच के बीच में ना थोड़ा डिस्टेंस ज़्यादा, बहुत देर बाद आते हैं इसी, क्योंकि यही तो इसका हेलिक्स का प्रिंसिपल है। वर्किंग इसकी ये है स्लो वेव स्ट्रक्चर, इसीलिए हम इसे स्लो वेव स्ट्रक्चर बोलते हैं, क्योंकि एक बंच के बाद दूसरा बंच आने में बहुत टाइम सा लगता है। लेकिन एम्पलीफाई हो जाती है, ठीक है, आउटपुट, यहाँ इनपुट दी, यहाँ आउटपुट एम्पलीफाई हो गई। देखिए, आपको उम्मीद है समझ आ गया होगा, अगर नहीं आया तो पीछे करके देख लो, और मेरी पिछली वीडियो भी आप देख सकते हैं जिसका डिस्क्रिप्शन में लिंक है। तो चले आगे देखते हैं टाइप्स ऑफ ट्रैवलिंग वेव ट्यूब। देखिए, दो तरह की टाइप्स हैं, ठीक है, वैसे तो वेरियस टाइप्स हैं, लेकिन टू मेजर टाइप्स हैं। पहली है हेलिक्स ट्रैवलिंग वेव ट्यूब। हेलिक्स ट्रैवलिंग वेव ट्यूब में क्या है, जो हम रेडियो वेव है वो इंट्रैक्ट करती है इलेक्ट्रॉन बीम के साथ। कब करती है, जब ट्रैवलिंग डाउन थ्रू वायर हेलिक्स, जब वो हेलिक्स के बीच में से गुजरती है तब इंट्रैक्ट करे, तो उसे हेलिक्स ट्रैवलिंग वेव ट्यूब कहते हैं, जो हमने अभी पढ़ी। दूसरी आती है कपल कैविटी ट्रैवलिंग वेव ट्यूब। इसमें क्या है, जो रेडियो वेव है इंट्रैक्ट करती है बीम के साथ, कब, बीम इन ए सीरीज ऑफ सीरीज पासिस, बीम पासिस, मतलब जब सीरीज ऑफ बीम पास करती है तो उसमें तब इंट्रैक्ट होती है, बीम इन सीरीज ऑफ बीम पासिस, जब बीम पास करती है तब ये बीम इंट्रैक्ट हो, रेडियो वेव इंट्रैक्ट हो बीम के साथ, उसे बोलते हैं कपल कैविटी ट्रैवलिंग वेव ट्यूब। अगर आपने इसके बारे में और समझना है तो आप कमेंट कीजिए, मैं फिर से समझाऊंगा, ठीक है। और ये फंक्शन करता है नैरो बैंड पावर एम्पलीफायर में। एप्लीकेशन देखिए, ट्रैवलिंग वेव ट्यूब है, कहाँ पे यूज़ होती है, जहाँ पे लो नॉइस एम्पलीफायर, रेडियो एम्पलीफायर का इस्तेमाल करना होता है। और कहाँ होती है, वाइड बैंड कम्युनिकेशन में, कम्युनिकेशन लिंक में, जहाँ पे कोएक्सियल केबल हो, रिपीटर लगाने हो, हमने एम्पलीफायर लगाने हो, इंटरमीडिएट एम्पलीफायर लगाने हो टू एम्पलीफाई लो सिग्नल, इन सब के सिग्नल्स को एम्पलीफाई कराना हो, तो वहाँ पे ट्रैवलिंग वेव ट्यूब काम आती है। तीसरी है हाई पावर पल्स रडार एंड ग्राउंड बेस रडार में इसका इस्तेमाल होता है। देखिए, इस्तेमाल का क्या है, एम्पलीफाई कराना है, कहीं भी ज़रूरत हो तो हम करा सकते हैं, ये इसकी मेन एप्लीकेशन है, जहाँ जहाँ सबसे ज़्यादा होता है। तो चलिए, आप सभी का धन्यवाद, अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना। जय हिंद, वंदे मातरम।